अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज़किया खान में आप सबको खुश आमदीद। और हमारी सुबह का आगाज़ हो चुका है। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश खुशहाल होंगे। हैप्पी संडे। और आप लोग किस की अभी बहुत से लोगों की सुबह नहीं हुई है और हम लोग की तो सुबह हो चुकी है जल्दी, क्योंकि बाद लोग लेट उठते हैं और लेट नाइट्स होते हैं तो उसमें फिर सुबह देर से उठते हैं। और लेकिन हमारी तो रोज़ की यही रूटीन है, हम जल्दी सोते हैं, जल्दी उठते हैं। बाकी हमारा नाश्ता हो चुका है, हम नाश्ता कर चुके हैं, मेरे घर की सफाई भी करी है, किचन भी साफ़ हो चुका है मेरा। और आज मेरी सिस्टर क्या कर रही है और मेरी सिस्टर आज क्या पकाने की कोशिश कर रही है? आज बनाएंगे बकरे के पाए। थोड़ा सा इसको वॉश कर लूँ, तुमने वॉश करके रखे थे, लेकिन ये कि थोड़ा सा और वॉश कर लूँ, क्योंकि जितना वॉश करो उतना कम होता है। इसमें लेके साफ कर रही हूँ इसको। सही, हाँ हम लोग तो खैर बहुत अच्छी सफाई करते हैं। मैंने तो टेम्परेरी सफाई करके रख दी थी, फिर अब दोबारा से सफाई करके अब इसको हम पकाएंगे। और बाहर के तो खैर अच्छे सफाई इतनी नहीं होती है, लेकिन घर में जो पकती है चीज़ तो ज़ाहिर है इसका ख्याल रखते हैं सफाई का। और अभी हमारी गैस भी नहीं आ रही है, अब देखो ये बनते किस तरह अच्छे बनेंगे। गैस तो आने दिए ना। हाँ खैर आ जाएगी अभी। और हम लोग पाए पका चुके होते, ख़त्म हो जाते, लेकिन गर्मी कितनी ज़्यादा हुई अब के हमने ये पकाई ली और अब तक ये ख़त्म हो चुके होते। और अभी ये देखिए ये मेरी चले सही है। अभी हम अपने काम कंप्लीट कर लें, जब पाए पक जाएंगे। और आप ये कैसे चढ़ाएंगी फिर ये भी तो बता दें। मैं सोच रही हूँ मसाला भून के थोड़ा सा फिर चढ़ाऊँ, लेकिन यहाँ तो गैस ही नहीं है, अभी देखते हैं किस तरह चढ़ा। सिलेंडर पे कर ले। हाँ सिलेंडर पे तो चलूँगी, यही होगा सिलेंडर पे भून ले, फिर बाकी हाँ। गैस आ जाएगी तो उसको चढ़ा दिएगा। हाँ ऐसे ठीक है। यानी कि मसाला भून के हाँ थोड़ा सा भून लूँगी इनको हाथ से। अब तो ये है कि फिर वो जल्दी फिर बन जाएंगे ना, मतलब कि फिर दोबारा भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर गलते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता। सही सही सही। मैं भी सफाई कर रही थी और थोड़ा सा काम रह गया था मेरा, पानी खुश कर रही थी यहाँ का, धो तो लिया था मैंने, लेकिन अभी वाइपर से इसको ड्राई कर रही थी यहाँ से। ये तो मेरी रोज़ की रूटीन है, मैं रोज़ाना धोती हूँ अपने घर को, क्योंकि डस्ट बहुत ज़्यादा आती है तो इसलिए मुझे वॉश करना पड़ता है रोज़ाना। और सब मुझे इस बात से गुस्सा करते हैं कि रोज़ाना धोती हूँ तो देखे मुझे चेंज नहीं पड़ता जब तक मैं धोगा। और ये हमारे कराची में गर्मी देखे कितनी हो रही है, धूप निकली हुई है और चिड़िया चहचहा रही है, परिंदे चहचहा रहे हैं। चले मैं अपने काम कंप्लीट कर लूँ और पाइप का जो भी होगा फिर मैं आप लोगों को इसकी डिटेल भी दूँगी, ठीक है? देखते हैं कहाँ तक पहुँचे हमारे पाए। और ये माशाल्लाह से जो लाइट कम लग रही है ज़रा, ये देखिए पाए पक रहे हैं और गैस सिलो सिलो पक रहे हैं क्योंकि गैस कम आ रही है, हल्की आँच पे ही चलो सही पकते रहेंगे। और हमारे काम हो चुके हैं सारे, सालन तो आहिस्ता आहिस्ता पक रहा है और रोटी तो खैर तंदूर से ही आ जाएगी। और अभी तो खैर भूख है भी नहीं, हम लोग लेट खा लेंगे क्योंकि सुबह नाश्ता कर ले तो फिर दोपहर में खाने का इतना दिल नहीं चाहता, फिर भी थोड़ा बहुत हम लोग खा ही लेते। और आप लोग बताएं आप लोगों ने आज क्या पकाया है? आज तो संडे है, आप ख़ास ख़ास चीज़ें पक रही होंगी घर में लोगों के, और क्योंकि सारे जो सबके हस्बैंड घर में होते हैं तो जाहिर है फिर वो अच्छे अच्छे खाने मांगते हैं खाने को।
और चले अज़ान का टाइम भी हो रहा है, फिर नमाज पढ़ के आपसे बात करती हूँ, ठीक है। देखिए राहत फेल, फिर ख़राब हो गया हमारा फेल। कितनी दफ़ा हमने ठीक कराए लेकिन ये देखिए फिर ख़राब हो गया। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने दोपहर में खिचड़ी बना ली थी मूंग की दाल की, ये हमारा लंच था और हमारा सलाद कंप्लीट नहीं हुआ था क्योंकि गैस चली गई थी, गैस स्लो आ रही थी तो टाइम लग रहा था, तो इसलिए हमने फिर वो खिचड़ी जल्दी नहीं बना रही थी। और पाए तो आहिस्ता सिलो उस पर पकते हैं ना, तो इसलिए माशाल्लाह से अब पक चुके हैं हमारे ये पाए का सालन। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा सालन कंप्लीट हो चुका है, अभी इसमें धनिया वगैरह डलेगा और वो मैं ऊपर से जब डालूँगी बाद में जब डिश में निकालूँगी तो, और रात में हम रोटी मंगा लेंगे तंदूर से और ये हमारे रात का डिनर होगा। और ये खिचड़ी तो हमने थोड़ी सी बनाई थी, खिचड़ी हमारी ख़त्म हो चुकी है और खाना तो था ना कुछ ना कुछ दोपहर में। शाम के टाइम तो ज़रा मौसम बेहतर हो जाता है, दोपहर में तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी और अब तो थोड़ा सा बेहतर है। अभी भी यानी कि पंखे के नीचे से हटने का दिल नहीं करता, लाइटें तो अपने अपने जैसे जाती है वैसे ही जा रही है लाइटें अपने उस पर ही जो चार टाइम और डेढ़ डेढ़ घंटे की, ये है रोज़ का मामूल। और अब तो सर्दियां भी शुरू होने वाली है, अभी गैस तो थोड़ी कम जाई थी, अब सर्दियों में तो ज़्यादा जाएगी, शॉर्टेज हो जाती गैस की। और अभी माशाल्लाह से हवा भी चल रही है और आई होप आप लोगों को आज का मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए और कल नहीं तो परसों इंशाल्लाह फिर नई वीडियो लेकर आऊँगी। कीप यू वॉचिंग माई ब्लॉग सत्या खान ब्लॉग, और अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, कोई गलती हो तो माफ़ी चाहती हूँ। और अपनी इजाज़त दीजिए कल परसों तक के लिए, परसों तक के लिए कभी भी मैं जब टाइम दिया तो मैं बना लूँगी वीडियो, क्योंकि मेरे अंदर काम बहुत ज़्यादा हो गए हैं और बिजी हो गई हूँ, क्योंकि तबीयत भी अपसेट थी तो इस वजह से मैं व्लॉग बना नहीं पा रही थी। अभी भी इनफैक्ट तबीयत मेरी ऐसे ही है, नॉर्मल नहीं हूँ कुछ, मेरे को अपने मोबाइल का भी गम था तो मोबाइल तो फिर मैंने दूसरा ले लिया, लेकिन फिर अभी तक क्योंकि बहुत महंगा मोबाइल आजकल आ रहे हैं तो बहुत महंगा मोबाइल आया था मेरा ये, लेकिन चले। और इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।